हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सो गाइस, लेकर आ गए एक और नई इंटरेस्टेड बिल्कुल वीडियो आप सब भाइयों के लिए। इसमें आज हम जानेंगे भाई, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन लखनऊ तेजस एक्सप्रेस फुल वीडियो भाई आ गई है। मस्त किस्म की मतलब वीडियो है व्लॉग यार। इस भाई ने बनाया, बहुत ही अच्छी वीडियो इसने बनाई है। इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये प्राइवेट ट्रेन है भाई, कितनी खूबसूरत लग रही है, डिजाइन है, डिजाइनिंग में कितनी प्यारी है। और भी जल्दी है सिर्फ ट्यूजडे को छोड़कर, अगर मैं ट्रेन के टाइमिंग के बारे में बात करूं, ये ट्रेन सुबह 6:10 में 6:10 निकलती है और आपको न्यू दिल्ली दोपहर के 12:25 पहुँचाएगी। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करेगी 512 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 83 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम स्पीड इसका होने वाला है 120 किलोमीटर पर आवर। और फ्यूचर हो सकता है इसके स्पीड को इंक्रीज। प्राइवेट है ना भाई। और इस ट्रेन का सिर्फ दो हॉल्ट होगा लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच में। पहला हॉल्ट होने वाला है कानपुर, जहां ये 5 मिनट के लिए रुकेगी। उसके बाद दूसरा हॉल्ट होने वाला है गाजियाबाद, जहाँ ये ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी। तो ये थी ट्रेन की अधूरी जानकारी। अभी तो भाई रैपर फटा है, अनबॉक्सिंग। हाँ, यही बात है। और मैं आपको बता दूं, आज इनॉग्रेशन रन है, तो आपके भाई को पहली बार मौका मिला है ट्रेवल करने का। तो चलिए देखते हैं, पूरा मैं इंटीरियर दिखाऊंगा, सारा चीज दिखाऊंगा, बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई, देखते जाओ। क्या अभी तो शुरुआत है। काफी प्यारी है यार, क्लीनेस्ट है। मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ लोकोमोटिव। और एक बात मैं बता दूं, आज इनॉग्रल रन है, तो आज इसका टाइमिंग 9:30 AM है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। लेकिन जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ। लोकोमोटिव फर्स्ट रन है, तो लोकोमोटिव को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वो देखेंगे तो पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा। बस वेट कीजिए कि मेरे सामने लोकोमोटिव है। हाँ ना यार, ये लोकोमोटिव है भाई, वो खुद सजा रहे। हाँ ना, दुल्हन की तरह भाई बनाए हुए हैं। हर एक को दिए हुए स्टेप वो अपने हिसाब से सजा रहे। हाँ, ये रही भाई अपनी ट्रेन भाई। क्या बात है ओए। So guys, it's time to see interior of Tejas Express। और अभी फिलहाल मैं हूँ, ये अंदर है सरकार के कोच। ये देख, कोच के बारे में आपको बता दूँ, इस कोच में सीटिंग कैपेसिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, 78% का सीटिंग कैपेसिटी है। और इधर सीटिंग अरेंजमेंट है 3x2 का, जैसा भाई पूरा जहाज लग रहा है अंदर से। तो चलिए मैं आप है ना, अब आपको इस ट्रेन का दिखाने वाला हूँ इंटीरियर, आप देख ले अच्छे से इंटीरियर। चलिए एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी मैं बैठ गया हूँ सीट पे, और देखिए पहले तो सीट ये देखिए। हो डेट भी सकता है बंदा। हाँ, इसको अरेंज करके ऊंचा नीचा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। हाँ, क्या बात है भाई। और वंदे भारत से तो कंफर्टेबल है। और मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, सामने ट्रेन है ना, ये क्या है ये ट्रे? अच्छा, ये भी है, इसमें कुछ काम कर सकते हैं। ये रहा ट्रे, और ये ट्रे कुछ अलग है दूसरे ट्रेनों की अपेक्षा। और ये रहा सॉकेट, ये सॉकेट है, ये मैगजीन सॉकेट इसको कह सकते हैं बिल्कुल। और ये रहा फुटरेस्ट, आप देख सकते हैं आपके भाई का पैर है। दूसरा ये रहा आर्म रेस्ट, ये देखिए ये आर्म रेस्ट हुआ। और ये रहा वाटर बोतल होल्डर। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन में, देखिए आप देखिए कर्टेंस, देखिए दूसरे ट्रेन में क्या होता था, आप कर्टेंस उठाने के लिए हाथ यूज करना पड़ता था, हैंड यूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ ये दिया गया है, सिस्टम दिया गया है, देखिए स्विच से। वो स्विच है इसे आप, ओ भाई साहब, ऐसी चीजें हमारी ट्रेनों में है ही नहीं। तो ये फैसिलिटी हो सकता है अलग से, दूसरी ट्रेन में ऐसी फैसिलिटी हमको देखने को नहीं मिली बिल्कुल। और चार्जिंग सॉकेट में आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ दिया गया है, ये रहा चार्जिंग सॉकेट, दो दो चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे। हाँ, चार्जिंग और सही है। और लगेज स्पेस देखिए, ये रहा लगेज स्पेस। अच्छा, लगेज खड़ा भी हो सकता है बंदा, है ना, ये सामान लग रहा है। और मैं आपको अच्छा सामान के लिए लाइट रहा, अगर आप रात में ट्रेवल करते हैं इस ट्रेन से, अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ काम करना है, लाइटिंग दी हुई है यार, लाइटिंग है। और भाई क्या क्या फैसिलिटीज है इसमें,
ठीक है। और सामने देखिए डिस्प्ले लगा हुआ है, जीपीएस डिस्प्ले भी काफी प्यारा है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है, ट्रेन का स्पीड कितना है, वो सारा चीज सारा कुछ बताते हैं ना, सारा कुछ कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा जा रहा है, आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी। ये कि मतलब बाथरूम इंगेज है या नहीं है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। हाँ होता है, ऐसा होता है ना कि लेडीज लोग बैठी रहती है, बिल्कुल प्रॉब्लम होता है, बाथरूम में जाता है बाथरूम इंगेज रहता है, लाइन लगाना पड़ता है, तो वैसा नहीं, आप सीट पे बैठ के आप देख सकते हैं कि बाथरूम इंगेज है या फ्री है। ओ सेंसर लगे हैं भाई हर जगह, इंडिकेट करता है रेट, इसका मतलब सामने वाला बाथरूम इंगेज है। अगर ये कुछ भी इंडिकेट नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला बाथरूम खाली है, मतलब भरा हुआ है, खाली है, इस तरह मिलेगी। सो गाइस, इस ट्रेन में आपको एयरलाइंस की तरह सुविधा मिलने वाला है, जिस तरह एयरलाइंस में आपको डायनेमिक फेयर लगता है उसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं। स्वागत करने के लिए आप देख रहे हैं सभी गेट पे इस तरह से, क्या बात है भाई, सारे गेटों में मतलब खड़े में है इस्तकबालिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये राशि फिलहाल MC7 में आ गए। ये दूसरा बॉक्स है इसका, इसमें आने का रीजन एक है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉफी वेंडिंग मशीन सभी कोच में नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ C7 में कॉफी वेंडिंग मशीन लगा हुआ है। कॉफी वेंडिंग मशीन इसमें वो है, किचन कितना, ये किचन है भाई, ये देखिए सामने कॉफी वेंडिंग मशीन लगा हुआ है और ये सिर्फ C7 में है। और आरओ मशीन देखिए, एक देखिए, तो पूरे ट्रेन में सिर्फ एक ही है कॉफी वेंडिंग मशीन। कॉफी वेंडिंग मशीन दो है, दो है, एक एक उधर है, एक एग्जीक्यूटिव एक एंड में और एक यार ये दो भी बहुत है यार, हमारे इधर तो कुछ भी। तो गाइस आप देख ले, अगर आप ट्रेवल करेंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर कॉफी आपको पीना हो तो ठीक है। थैंक्स गाइस, आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियों का काफिला पुनः, हां ट्रेन का मतलब दूसरा हो रहा है। अभी फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है, चलने लायक पड़ी है भाई अभी। क्या सर हुआ, सबसे पहले तो हमें ये मिला नींबू पानी भी दिया जाता है भाई सबसे पहले, जबरदस्त यार जबरदस्त। और इसका पैकिंग कुछ अलग है इस बार, मतलब कलर चेंज है, येलो कलर, वाटर जूस भाई, क्या कुछ अच्छा, ये यानी कि बोर ना हो बंदा ना, न्यूज पेपर भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। स्वागत किया जा रहा है भाई फूल के साथ, क्या बात है, प्यारा है यार, वैसे सारा कुछ प्यारा है इसका यार, बहुत कमाल की ट्रेन लगी, बहुत अच्छी ट्रेन थी यार ये। ये भाई जा कह रही थी लखनऊ से तिजास तक, मतलब क्या कमाल का इसमें सीन था यार। मैं इस तरह की ट्रेन भाई प्राइवेट पाकिस्तान में तो है ही नहीं, पाकिस्तान अगर वो भी जाती तो इस तरह की नहीं हो सकती, पाकिस्तान में मैंने आज तक ऐसी ट्रेन नहीं देखी। और यार इसमें जो वो शीशे वाले साइड में वो बटन से खुलते हैं हमारे, और दूसरी बड़ी बात ये है कि यार इस ट्रेन में जो भी बैठना चाहे ना बैठता है ना, तो वो चाहे तो मुझे काफी पीनी है तो वो मिल जाएगी आपको काफी। हाँ काफी, ये देख भाई ट्रेन में असल में होता ही नहीं है इस तरह। और यार वो सेंसर बड़े कमाल के, लोग होते हैं ना खड़े हो जाते हैं ट्रेनों में कि यार अभी निकलेगा वॉशरूम के लिए, वॉशरूम के लिए ना अभी निकलेगा, अभी सेंसर लग गए लोगों को ऑटोमेटिकली बैठी बैठी भाई बैठे बैठे, ये तो हमारी क्या टेक्नोलॉजी गई है भाई, हमारी जान तक सोचा ना, सोचा भी नहीं। वहाँ से भाई इंडिया की, जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से इंडिया की शुरू होती है। क्या बात है यार, वाकई सही सही बात है, जो टेक्नोलॉजी वो लड़ाते हैं हमारी सोच में भी वो नहीं आता है। सही बात है यार वाकई, क्यों अफान भाई कभी सोचा है कि यार हम बैठे बैठे हमें पता चलेगा वॉशरूम खाली है कि नहीं सोचा हमने, अभी हमने इंडिया की जरिए हमने जान लिया यार, काफी कमाल। हाँ, हाँ। इसमें क्या खूबसूरत लोग, यानी स्वागत के लिए कितने जबरदस्त फूल भी हैं भाई, पानी भी मिलेगा, वो था जूस दे रहे हैं आपको, और यार मैगजीन भी दे रहे थे यार, आप अगर बोर होते हो तो ये पढ़ लो, न्यूज़पेपर दे रहे थे वो भी आपको मिल जाएगा, हर चीज की भाई फैसिलिटीज मिल रही है। और क्या चाहिए जाके पाकिस्तान में भाई, जो फटी फुटी ट्रेन है वो तो भाई बैठने की जगह भी नहीं हुआ, बिल्कुल यार आप यहाँ इतनी प्यारी स्मूथ सिटी भी है इसकी। आप किसी दिन जो है ना आप किसी वीडियो में चेक कर ले पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान कहते हैं तो हम खुद ले आते हैं, आप देखेंगे भाई आप हैरान हो जाएंगे, ये वाली ट्रेन आपको सोना लगेगी, सोना। सही बात है, सही बात है।
यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार, बाय।